राम राम सभी साथियों को। और आज है बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो आ चुकी है। बहुत संघर्षों के बाद सबसे पहले आपने बीएसटीसी की बहुत ही अच्छी तैयारी की 2-3 महीने, और फिर आपने एग्जाम दिया, और 1 महीने बाद आपका क्या आया था, रिजल्ट है वो आया था। और रिजल्ट आने के बाद थोड़ा दिनों बाद, 2-3 दिन बाद आपकी क्या हो चुकी थी, काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी। आपने 3,000 रुपये जमा करवाए थे, आपने कॉलेज है वगैरह भरी थी, ठीक है। उसके बाद है काफी दिनों के बाद है हमें ये फर्स्ट लिस्ट है वो देखने को मिली है लंबे इंतजार के बाद, और अब आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। जी हाँ स्टूडेंट, अभी अभी मैंने देखा है कि जो आपकी बीएसटीसी की 2023 की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आप प्रीडिलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर है वो आराम से देख सकते हो, प्रीडिलेट 2023, ठीक है। मैं वैसे लिंक है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप चेक है वो कर सकते हो। अब उसके बाद है अगर आपने चेक भी कर लिया है तो अब आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल, जैसे कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या है, और सेकंड लिस्ट है जिनका नंबर नहीं आया है, और अब उनको लगता है कि भाई अब सेकंड लिस्ट है वो कब है वो आने वाली है, और फर्स्ट लिस्ट वाले अब आगे हैं वो क्या करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चाहिए उनको, कितनी फीस है, क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और काफी सारे स्टूडेंट को फर्स्ट कॉलेज है वो मिली है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और उन स्टूडेंट को क्या मिला भाई, बहुत ही दूर कॉलेज मिली है, ठीक है, मिली तो है लेकिन दूर मिली है। उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको लगभग, हो सकता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा एकदम निचोड़ कर, ठीक है। हाँ, दूर कॉलेज मिली, कारण क्या है, और सॉल्यूशन भी बताऊंगा कारण क्या है। देखो मैं बताऊंगा कुल कितनी लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। अब सेकंड लिस्ट वाले इंतजार है वो कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट है वो कब आने वाली, तो कुल है इस प्रकार लिस्ट है वो कितनी है वो आने वाली है, और फर्स्ट लिस्ट वालों के डॉक्यूमेंट फीस वगैरह है वो क्या चाहिए, और कट ऑफ है वो क्या रहेगी। अब देखो फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है उसमें कितना अंतर रहेगा वो भी आपको 8 नंबर पॉइंट है उसमें बताऊंगा। और भी इसके अलावा और भी काफी सारे डाउट हैं जो कि मैं आपको लेकर आ चुका, लगभग है 15 से 20 डाउट है, सारे के सारे मैं आपको क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक है वो देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, जो आपके भेजे में ना सारे डाउट हैं वो सारे के सारे अब क्लियर होने वाले। एक बार देख लेना इस वीडियो के अलावा कोई भी आपको वीडियो दूसरा देखने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो साथियों पहला स्टेप है हमारा कि ऑफिशियल कट ऑफ आती है या फिर नहीं आती, इसके लिए तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसके जो बीएसटीसी का है ना ऑफिशियल कट ऑफ है वो नहीं जारी होती है। कैसे पता करते हैं हम कट ऑफ है ना, जो ओरिजिनल कट ऑफ है वो हम कैसे पता करते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट के नंबर आए हैं मान लीजिएगा 399, ठीक है, ओबीसी है मान लीजिएगा, जैसे जनरल मान लीजिएगा, ठीक है, जनरल में किसी स्टूडेंट के 399 आए थे, तो कम से कम हमने कितना देखा कि स्टूडेंट के देखा 399, तो 399 कट ऑफ। अगर इससे और कम स्टूडेंट का नंबर है वो देखा हमने मान लीजिएगा देखा और उसका नंबर है वो आ गया, जैसे किसी स्टूडेंट का 396 नंबर आ गया तो कट ऑफ है 396 रहेगी। अगर किसी का 393 पे आ गया ना तो कट ऑफ 393 रहेगी, ठीक है, मतलब जनरल की एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को है ना, स्क्रीन शॉट भेजना है टेलीग्राम ग्रुप या फिर आप इंस्टाग्राम पर मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी अभी तो मैंने देखा है कि आपकी जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हुई है, ठीक है, तो कट ऑफ है डायरेक्ट है वो नहीं बता सकते। सबसे पहले आपको है ना क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंस्टाग्राम पर या फिर आपको टेलीग्राम पर जाना है और मेरे को मैसेज करना है कि मेरे इतने नंबर थे और मेरा सिलेक्शन है वो हो चुका है, और प्रूफ है वो भी भेजना, ताकि मैं ओरिजिनल कट ऑफ है आपको बता सकूं, ठीक है, ये आपको काम करना है। उसके बाद बात करें सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी, है सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, तो सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी, लगभग आपके 25 से 30 दिन, मतलब 1 महीना है वो लगेगा इसमें सेकंड लिस्ट को आने में, ठीक है, और ये आपको मैंने बता दिया सेकंड लिस्ट का भाई 25 से 30 दिन लगेगा इसमें, लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फीस भी जमा कराएंगे, तो एकदम लंबा प्रोसेस है वो होने वाला। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको कॉलेज है दूर मिली है, खास तौर पर लड़कियां होंगी जिनको कॉलेज दूर मिली है, तो वो क्या करेगी, कॉलेज है वो छोड़ देगी, वो जाएगी नहीं कि भाई मुझे बीएसटीसी नहीं करनी, अगली बार मेहनत करूंगी और पास वाली कॉलेज है वो लूंगी, क्योंकि ज्यादातर है लड़कियां हैं वो छोड़ती हैं, ठीक है, इसलिए लड़कियों की कट ऑफ भी है कम है वो रहती है। और उसके बाद है कुल कितनी लिस्ट आएगी, मैं आपको ये भी डाउट क्लियर कर दूं, ये डाउट क्लियर हो गया, ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है कर लेते हैं आपके क्लियर, और कुल कितना लिस्ट आएंगे, जब तक है जो कि सीटें वो खाली है तब तक लिस्ट आ जाएगी, मान लीजिएगा 5 लिस्ट आ जाएगी, 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, जब तक सीटें खाली है तब तक लिस्ट है वो आपकी आती रहेगी इस बीएसटीसी की, ठीक है, और ये भी आपका डाउट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। और अब कट ऑफ के बारे में मैंने बताया है कि
आपको मैसेज करना, आप हमारे इस जो यूट्यूब है ना इस कमेंट में भी कर सकते हो, लेकिन मैं वहां पर आपको प्रूफ है नहीं है आपके पास भेज नहीं सकते हो, इसलिए मैं कहता हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आपको आपका रिजल्ट का और आपका जो नंबर आया उसका भी स्क्रीनशॉट है वो भेज देना कि मेरे को फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वह नंबर है वो आ चुका है, फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर आ गए हैं, ऐसा आपको प्रूफ भेजोगे तभी मेरे को पता चलेगा कि कट ऑफ है वो क्या है, ठीक है, वैसे पता नहीं चलेगा, ठीक है, हम ऐसे अंदाज है वो नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये भी आपका डाउट है वो क्लियर है वो हो गया, इतना डाउट क्लियर। साथियों ऑल राजस्थान का फायदा भी है आपको, क्योंकि इसमें आपको कॉलेज तो मिली है, काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने ऑल राजस्थान नहीं किया है उनको कॉलेज भी है वो नहीं मिली है, ठीक है, एक कारण ये भी है कि ऑल राजस्थान किया है जिसको कॉलेज है दूर भी मिली है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जैसे आपका जिला है आपके जिले में सबसे पहले आपने पहली कॉलेज भरी है आपके जिले की उसमें 85 सीटें हैं, ठीक है, और लास्ट है जो 85 सीट है उसपे है ना 411 थे नंबर उस स्टूडेंट के, उसका नंबर है वो आ गया और आपके थे 399, तो इसका मतलब आपका है वो वहां पर नंबर नहीं आया, और ये आपका जिला है आपका जिले में आपने कॉलेज है वो मांगी थी आपका नंबर नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरे आपने कोई भी आपके जिले की कॉलेज मांगी थी उसमें देखा तो उसमें 408 वालों का नंबर है, 408 से ऊपर ऊपर वाले स्टूडेंट है, 408 से ऊपर आप ऊपर मान लीजिएगा कोई भी, ठीक है, 411 वालों का उनका नंबर है वो आया और सबसे कम है 408 वालों का नंबर है, ठीक है, और आपके नंबर कितने 399, इसका मतलब आपका नंबर है वहां पर भी नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पर भी 50 सीटें हैं, ठीक है, ज्यादातर कॉलेज में 50 सीटें होती हैं, कहीं कहीं पर भी 150 भी होती है। फिर है और नीचे वाली कॉलेज, तीसरे नंबर आपने कॉलेज मांगी थी आपके जिले की ही, आपके जिले में 3-4 कॉलेज है उसमें मांगी थी, तो उसमें भी आपको 408 देखा कि आपके 408 थे उस स्टूडेंट के और 408 वालों का नंबर आया था और 399 वालों का नहीं आया था, 408 से ऊपर वाले जितने भी हैं 408 है 411 है, ठीक है, इससे ऊपर वालों का नंबर है वो आया है, बाकी नीचे वालों का नंबर नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पर भी सीटें क्या होगी फुल है वो होगी। फिर आपने चौथा है मांगा था आपके जिले की कॉलेज वो भी वहां पर भी 405 देखो को मिला आपको कि 405 है जिस भी स्टूडेंट के थे उनका नंबर है वो आगे हैं और यहाँ पर भी ठीक है नंबर नहीं है आपका और आगे थे नंबर 399, ठीक है, इसी प्रकार आप नीचे हो चले गए और उसके बाद पास वाले जिले भी आ गए, ठीक है, उसके बाद आपको कहीं जाकर है 16 नंबर पर आपको कॉलेज है वो मिले, 399 नंबर थे और आपको 16 नंबर कॉलेज है वो मिली थी। अब वो कॉलेज है वो कौन सी भी हो सके, आपके जिले वाले भी तो कॉलेज खत्म हो गई, आपके पास वाले भी जिले भी खत्म है वो हो गए थे, अब थोड़े थोड़े दूर है वो आने स्टार्ट है वो हो चुके थे और मान लीजिए आप जोधपुर की मांगे थे और आपको है अब बहुत सारा दूर है वो कॉलेज है मिल गई है 399 पे, क्योंकि आपके नंबर भी है कम थे, सबसे ज्यादा नंबर थे उसको पास वाले कॉलेज मिल गई, अब आपके नंबर भी है कम थे इसलिए आपको क्या मिली दूर वाली कॉलेज है वो मिली। तो जिस प्रकार लिस्ट है होती है लिस्ट में जितनी डिमांड होती है कि 408 वालों का नंबर है यहाँ पर आ गए हैं, इसके नंबर भी है वो ज्यादा थे इसलिए यहाँ पर इसको सेकंड के रूप में ही चॉइस में के रूप में आप कॉलेज मिल गई, ठीक है, लेकिन आपके नंबर है वो बहुत ही कम थे इसलिए आपको मतलब 16 नंबर पर है कॉलेज मिली, है ना, समझ में आ रहा है कुछ। और अगर आपका इस आपने मान लीजिए 18 कॉलेज ही सिलेक्ट किए उसके बाद ऑल राजस्थान सिलेक्ट है वो कर दिए हैं तो आपको राजस्थान के कहीं पर भी किसी भी जिले में आपको फेंक दिया जाता है, मतलब वहां पर आपको कॉलेज है वो मिल जाती है, ठीक है, कम से कम कॉलेज तो मिलनी चाहिए आपको, ठीक है, और ये तो आपका हो गया कि आपको किस प्रकार है कॉलेज है वो मिलती है, तो मैंने बताया है कॉलेज दूर मिलने का क्या कारण है, जैसे आपने 18 कॉलेज भरी 18वीं कॉलेज क्या है बहुत ही दूर है, ठीक है, और उसी कॉलेज में सीट खाली है 19 नंबर में भी खाली है मान लीजिएगा और वो थोड़ी पास है क्योंकि सबसे पहले वरीयता है आपके 18 नंबर को दी जाएगी क्योंकि आपने 18 नंबर ये मांगी थी, ठीक है, 3 नंबर है 4 नंबर है 5 नंबर मतलब सबसे पहले वरीयता इसको दी जाएगी, फिर इसको फिर इसको फिर इसको मतलब नीचे नीचे नीचे, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन है वो क्या है आप पास वाली कॉलेज है वो कैसे ले सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके लिए एक सॉल्यूशन है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, क्या सॉल्यूशन है अपवर्ड मूवमेंट, है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, हाँ, और अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कर दोगे, कर देना, ठीक है, हाँ, ये कब शुरू होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको फीस वगैरह जमा करवानी है 13,500 जो कि 13,500, उसके बाद आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे प्री डीलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपलोड कर दिए उसके बाद थोड़े दिनों बाद है अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट में क्या होगा आपको कॉलेज, जैसे आपको कॉलेज मिली है मान लीजिए 18 नंबर की कॉलेज मिली है और कोई भी जिला मान लीजिए जैसे जयपुर में मिली है और आपको कहीं और चाहिए आपके जिले में कॉलेज चाहिए तो क्या होगा इसमें जो जो पास वाली कॉलेज है ना अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है ऊपर की ओर कॉलेज है वो मिलता है, ऊपर की ओर गति है वो करते हैं हम, तो ऊपर की वाली कॉलेज है वो मिलेगी, आपने अपवर्ड मूवमेंट फॉर्म भरा है
और 18 नंबर कॉलेज आपको अभी मिली हुई है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट से पहले 18 नंबर कॉलेज मिली है। उसके बाद क्या होगा, ये 17 नंबर की कॉलेज में देखेंगे सीट खाली है या फिर नहीं है। आप क्योंकि भाई ये सीट पहले ही खाली होती तो हमको दे देते, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो भी आपकी तरह क्या करवा रहे होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करवा रहे होते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट BSTC हैं, वो उनका मतलब वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको दूर कॉलेज मिली है ना। तो इस ये भी काफ़ी सारे कारण हैं वो होते हैं इसमें। और इसमें देखो आपको फिर क्या होगा, इसमें सीट खाली होगी, आपके 399 नंबर हैं और 399 से ऊपर हैं, इसमें भी 399 नंबर वाली सीट खाली है, तो आपको यहाँ पर कॉलेज है वो मिल जाएगी, ठीक है, खाली है तो मिल जाएगी। और अगर इसमें भी खाली तो वो भी मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपको ऊपर है, कोशिश यही रहती है कि पास वाली कॉलेज मिले, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर है वापस आपका नंबर है वो आता रहेगा। जैसे आपको 18 नंबर की कॉलेज मिली है, 18 नंबर की दूर है, फिर 17 नंबर देखेंगे खाली है या फिर नहीं है, खाली है तो अच्छी बात है इसमें रख देंगे, अगर उसमें ऊपर वाले में खाली है तो ऊपर वाले में रख दें, इसमें खाली तो इसमें रख दें, इसमें खाली तो इसमें रख दें। इस प्रकार है ऊपर की ओर मतलब गति है वो करेंगे आप, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, अगर आपने राजस्थान और राजस्थान यस किया है तो आपको बधाई हो, आपको कॉलेज है वो मिल चुकी है। और जिसने नो किया उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसने कॉलेज है मान लीजिए भरी है, 18 कॉलेज है वो भरी है, 18 कॉलेज ही भरी है और ऑल राजस्थान पे नो क्लिक किया है, तो वो क्या देखेगा वहां पर, ये देखेगा कि यहाँ पर तो उनका नंबर है वो आया नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 399 का नंबर आ गया है, मान लीजिए उसके स्टूडेंट के 390, ठीक है, तो 390 वाले स्टूडेंट का यहाँ पर कोई भी सीट है वो खाली नहीं है, 390 से ऊपर वाला है उनका है सीट खाली है, तो उनको है मिल चुकी है, 390 वालों को कोई भी स्थान है वो नहीं मिला, तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज है वो उसको नहीं मिलेगी क्योंकि उसने ऑल राजस्थान सेलेक्ट नहीं किया। ये भी है वो खास वजह है जिनको कॉलेज नहीं मिली है। और ये तो आपका हो गया है, क्या क्या है इसका समाधान, क्या है क्या इसके पीछे का कारण है, मैंने पूरा है डिटेल्स में बता दिया है, और भी वीडियो है आपके लिए आएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह हमारे इस यूट्यूब चैनल पर BSTC से रिलेटेड अपडेट है वो मिलती रहेगी। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ, ग्रो शिक्षा, क्या नाम है, ग्रो शिक्षा, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रो SHIKSH, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर BSTC से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पर हम शेयर करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम अगला डाउट है वो आपका कौन सा था कि अब आगे क्या करना है, तो आगे है एक नोटिफिकेशन है वो आएगा, ठीक है, उसमें दिया होगा कि फीस कब जमा करानी है, ठीक है, फीस कब जमा करानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, किस तारीख को फीस जमा करानी है, सब कुछ उसमें शेड्यूल है वो दिया गया, वो विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही आपको अब बता दिया जाएगा कि क्या है अब आपको आगे करना है। और भी काफ़ी सारे डाउट हैं जो कि मैं आपको क्लियर है वो कर देता हूँ, ठीक है, मैंने डाउट है यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, कुल कितनी लिस्ट आएगी मैंने बता दिया है, कुल जब तक सीटें खाली है तब तक आपकी लिस्ट है वो आती रहेगी, ठीक है, और दूर कॉलेज मिली वो भी हो गया, ठीक है। और फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट इन कट ऑफ में अंतर है वो क्या रहेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट है और सेकंड लिस्ट है, इसमें कितना अंतर रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर का अंतर रहेगा, ये मेल वालों के लिए, मेल जो भी है, और फीमेल वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 12 नंबर का अंतर है वो रहेगा, ज़्यादा है वो नहीं रहेगा, ठीक है, इतना ही कट ऑफ में अंतर रहेगा। और उसके बाद है और सेकेंड लिस्ट कट ऑफ मैंने बता दी है कि इसमें मतलब अंतर है वो देखने मिलेगा, ठीक है। और एक बार आप कॉलेज है वो जाकर देख सकते हो सही है या फिर नहीं है, उसके बाद क्या मॉल है आप देख सकते हो, उसके बाद आप फीस है वो जमा करा सकते हो, ठीक है। फीस कितनी है तो 13,500 रुपये है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि कॉलेज जमा जाकर जमा करें या फिर ऑनलाइन करें, तो ऑनलाइन है वो कराना है, ठीक है। और जिनका नाम नहीं आया वो है ना क्या करे, वो सेकेंड लिस्ट का इंतजार करे और कर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और फिर और कौन से डाउट हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। देख लेता हूँ एक बार कौन कौन से डाउट हैं आपके, इतने डाउट थे जो कि मैंने आपको बता दिए, डॉक्यूमेंट वगैरह में सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी आपके कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी लिस्ट वगैरह आ चुकी है और जिस भी स्टूडेंट का नंबर है वो आ चुका है फर्स्ट लिस्ट में, उसको हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
वंदे मातरम।